अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन की तरफ से एक नया अपडेट आई है जो कि मैं आपको बताता चलूँ। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। अपडेट ये आई है कि गवर्नमेंट की तमाम सर्विसेज जो भी थी, तसील हो गई, तवाफुक हो गई, तवजीह हो गई, तदबीर हो गई, ये तमाम की तमाम बंद कर दी गई हैं आर्जी तौर पर 2 हफ्ते के लिए, जो कि कल 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक बिल्कुल बंद रहेंगी। और ये सर्विसेज अपने तमाम स्मार्ट चैनल जितने भी इनके वेबसाइट है, ऐप्स हैं, इन पर अपना वर्क करती रहेंगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले करती हैं। सिर्फ ऑफिसेज जो हैं वो बंद रहेंगे। तो एक ये अपडेट थी। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं साइबर क्राइम के हवाले से आपको बताता चलूं कि आजकल बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है लोग बिना तस्दीक किए उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं कीजिए, इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतना ख़तरनाक ये वायरस नहीं है जितना ख़तरनाक हम इसको ख़ुद बना देते हैं कि हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, कोई भी फेक न्यूज़ बना के डाल देता है, हम उसको फौरन फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कीजिए जब तक आपको बिल्कुल तस्दीक नहीं हो जाए। क्योंकि आजकल एक वीडियो चली हुई थी जिसमें कोई आदमी रोड पर गिर गया था और बेहोश हो गया था, उसको लोगों ने कह दिया कि जी ये कोरोना का पेशेंट है, जबकि उसको कोरोना नहीं था, वो अपनी किसी और बीमारी की वजह से रोड पे गिर गया था। तो इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं जिसमें खासकर जैसे अक्सर लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, किसी को कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं रोड पे। तो ऐसा कुछ भी होता है, लोग वीडियोज़ बना के उसकी फेक तरीके से और वो निकाल देते हैं कि जी ये कोरोना का पेशेंट है। इस तरह से बिल्कुल नहीं कीजिए। ये एक तो ये साइबर क्राइम रूल ऑफ रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है कि आप बिना तस्दीक किए किसी न्यूज़ को आगे फैला देते हैं। तो बहुत मोहतात रहिए, इस पर बहुत सख्त एक्शन होते हैं, तो इन चीज़ों से बचिए। और बाज़ लोग ऐसे भी वीडियोस बना के भेज देते हैं कि इस तरह आप करेंगे तो आप सही हो जाएंगे, प्याज को बारीक बारीक काट के च्यूइंग कर लें। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी, शायद आप लोगों के इल्म में हो, कि अफ्रीका में लोगों ने के कोरोना इससे ख़त्म हो जाता है डिटोल को पी लिया था, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की अमवात भी वाक़ हो गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कॉल्स करके भी, और अभी गवर्नमेंट की एक सर्विस ट्विटर के साथ मिल के हैशटैग स्टार्ट हुआ है, #AskDubaiDoctor के नाम से। आप वो लिख के ट्विटर पे भी मालूम कर सकते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो आपको हर वक्त मशवरे देने के लिए मौजूद हैं। तो आप वहाँ पे आपका जो भी मसला दरकार है वहाँ पे उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स ने ये सर्विस स्टार्ट की हुई है, आप उनको कॉल करके मालूम कर सकते हैं। तो फेक न्यूज़ से बचिए, अपने आप को सेफ कीजिए, माहौल को सेफ कीजिए। जब ये चीज़ें अच्छी तरह होंगी तो यकीन जानिए कि ऐसा वायरस आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपनी केयर कीजिए, हर दफ़ा की तरह वही बोलूँगा, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।